ए मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड इन ए वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर मेक्स 10 ऑसिलेशंस पर मिनट एट ए प्लेस ए एंड 20 ऑसिलेशंस पर मिनट एट प्लेस बी. इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए इज 36 इंटू 10 पावर माइनस 6 टेस्ला देन इट्स वैल्यू एट बी इज. डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए मैग्नेटिक नीडल और ए मैग्नेटिक डाइपोल के इन प्रेजेंस ऑफ दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय टी इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ओवर आई बाय एम इंटू बी एच. ओके, फॉर ए गिवन मैग्नेटिक डाइपोल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड मैग्नेटिक मोमेंट एम विल बी द सेम. ओके, दैट इज वी कैन राइट हियर द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर बी एच. आर वी कैन राइट हियर टी ए डिवाइडेड बाय टी बी, दैट इज द रेशियो ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक, दैट इज बी एच बी डिवाइडेड बाय बी एच ए. सो हियर गिवन दैट टी ए, गिवन दैट हियर एट ए द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज 10 ऑसिलेशंस पर मिनट. So the time period is given by 60 by 10 seconds and TB given that frequency 20 oscillations per minute. From this time period of oscillation at B is given by 60 by 20 seconds and the value of BH at A is given by 36 into 10 power minus 6 Tesla. Then what is the value of BH? At B. Now substituting all the values, the given formula, that is TA by TB is equal root over BHP by BHA, that is TA 60 by 10 divided by 60 by 20 is equal to root over BH at B divided by BH at A, that is 36 into 10 power minus 6 Tesla. This 60 60 get cancelled. From this will get, this is a 10 2 jar. From this simply get 2 is equal to root over BH at B by 36 into 10 power minus 6. By squaring on both sides, 4 is equal to BH at B divided by 36 into 10 power minus 4, sorry, minus 6. Therefore, the value of BH at B, good here, 4 into 36 into 10 power minus 6, that is 144 into 10 power minus 6 Tesla. So, correct option is third one.